गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंग्लिश की क्लास में। आज हम जो नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ये है चैप्टर नंबर 2, ब्रिंगिंग अप कारी। यहाँ पे कारी जो है एक छोटे से एलिफेंट के बच्चे का नाम है और उसको किस प्रकार से बड़ा किया जा रहा है उसके ऊपर ये आपका पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो बिफोर रीडिंग द चैप्टर हम कुछ देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। कारी अ 5 months ओल्ड बेबी एलिफेंट लिप्स एंड ग्रोज अप विद हिज 9-year-old फ्रेंड एंड कीपर। कारी जो है एक 5 महीने का छोटा सा हाथी का बच्चा है जो एक 9 साल के अपने दोस्त और कीपर, दोस्त एंड कीपर का क्या मतलब है, जो कीपर है वही उसके दोस्त की तरह काम कर रहा है, जिसकी उम्र 9 साल है, उसके साथ बड़ा होता है। कारी डजेंट ईच मच, जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम्स ऑफ डिलीशियस ट्विक्स अ डे। यहाँ पे एक व्यंग्य के रूप में कहा गया है कि कारी जो है वो ज़्यादा खाता नहीं है, बस सिर्फ 16 किलो ट्विक्स एक दिन में खाता है। आप अगर अंदाज़ा लगाएं कि हम लोग दिन भर में कितना खाना खाते होंगे, नॉट मोर देन 1/2 kg, और ये सिर्फ 16 किलो ही खाता है। प्लेफुल एंड सेंसिटिव, कारी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग। और कारी जो है ये खेलकूद पसंद करने वाला और सेंसिटिव, यानी अगर आप इसको डांट दें तो ये बुरा मान जाएगा या ऐसा, और एक बच्चे को उसने डूबने से भी बचाया। तो अब चैप्टर हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। चैप्टर में क्या है, कारी द एलिफेंट वॉज 5 months ओल्ड व्हेन ही वॉज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ। आई वॉज 9 years ओल्ड एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ आई स्टूड ऑन टिप टू। कारी जो एलिफेंट है, जब ये 5 महीने का था तब ये मुझे मिला ताकि मैं इसकी देखभाल करूं, और उस वक्त मेरी उम्र 9 साल की थी, और उस वक्त मैं अपने पंजों के बल खड़ा होकर के उसकी पीठ तक पहुंच सकता था। यानी उसकी ऊंचाई कितनी थी, जितने एक लगभग 9 साल के बच्चे की ऊंचाई होती है। ही सीम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years, और करीब 2 साल तक लगभग उसकी ऊंचाई उतनी ही रही। वी ग्रो टुगेदर, दैट इज़ प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज। और हम लोग साथ साथ बड़े हुए, इसलिए शायद हमने कभी इस चीज़ को नोटिस ही नहीं किया कि वो कितना लंबा हो चुका है। इट हैपेंस कि अगर आपके साथ, आप जिन लोगों के साथ रोज़ मिलते हैं, उनकी ऊंचाई कब बढ़ रही है आपको अंदाज़ा बहुत देर से पता चलेगा, जब उनके कपड़े छोटे होने लगेंगे। बट हाथी यहाँ कपड़े नहीं पहनते, इसलिए इनको पता ही नहीं चला कि कब वो कितना लंबा हो गया। He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Kari bumped against the poles as he moved about. यहाँ पे बता रहे हैं कि कारी जो है एक पवेलियन में रहता था। पवेलियन क्या है, एक छायादार रूफ की तरह होता है, दैट इज कॉल्ड पवेलियन, जिसके ऊपर थैच्ड रूफ बनाया हुआ है और मोटे मोटे पेड़ों के स्टम्प्स के ऊपर उसको रखा गया है। ताकि मोटे मोटे स्टम्प्स के ऊपर क्यों, क्योंकि कारी अगर कभी उन पोल से टकरा जाए तो वो छत कारी के ऊपर न गिरे। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग कारी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। और पहला काम जो कारी ने किया, उसने एक बच्चे की जान बचाई। कारी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरदलेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विग्स अ डे टू च्यू एंड प्ले विद। हालांकि वो ज़्यादा खाता तो नहीं था, लेकिन उसको 40 pounds ऑफ ट्विक्स चाहिए एक दिन में खाने के लिए और खेलने के लिए। यहाँ पे एक चीज़, अभी हम लोग बात कर रहे थे 16 kg, और यहाँ पे हम बात करें 40 pounds। 1 pound ये भी एक मेजरमेंट है जिससे हम वेट को नापते हैं, लेकिन 1 pound इज़ इक्विवेलेंट टू अराउंड 1/2 kg। 1/2 kg थोड़ा सा कम होता है, 400 something grams होते हैं। तो 40 पाउंड्स को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये अप्रॉक्स आपका 16-17 kg के आसपास ही आएगा। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। और नैरेटर यहाँ पे आई के रूप में संबोधित किया जा रहा है कि मैं उसको रोज नदी पे ले जाता था नहलाने के लिए। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक व्हाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर। वो नदी के किनारे बालू में बैठ जाता और मैं उसको साफ बालू से उसको रगड़ रगड़ के करीब 1 घंटे तक नहलाता। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और इतना ही नहीं, इसके बाद पानी में वो बैठ करके काफ़ी समय बिताता था। ऑन कमिंग आउट ऑफ हिज स्किन
would be shining like ebony and he would squeal. With pleasure I rubbed water down his back. और जब वो बाहर निकलता तो उसकी स्किन जो है वो बिल्कुल एबनी की तरह चमकती थी. एबनी क्या है? चमकदार पत्थर, इसको एबनी कहते हैं. बिल्कुल चमकदार पत्थरों की तरह वो चमकती और वो खुशी से स्क्वील करता है. स्क्वील का मतलब क्या है? यहाँ देखिए आपका लिखा हुआ है क्राई और ट्रम्पेट. वो जोर से चिल्लाता चिंगारता जब मैं उसकी पीठ में से पानी को साफ कर करके नीचे निकालता. Then I would take him by the ear because that is the easiest way to lead an elephant and leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner. उसके बाद मैं उसकी कान पकड़कर उसे आगे की ओर ले जाता क्योंकि हाथियों को आगे ले जाने के लिए यही इनका सबसे easiest way है. और उसको जंगल के किनारे ले जाता जहाँ पे मैं उनको छोड़ करके जंगल से उसके लिए कुछ luscious twigs लेने के लिए चला जाता. ल्यूसियस मीन्स टेस्टी. इनके लिए टेस्टी ट्विक्स लेने जाता फॉर हिज डिनर. वन हैज़ टू हैव वेरी शार्प हैचेट. हैचेट मीन्स स्मॉल एक्स, छोटी सी कुल्हाड़ी. एक आदमी के पास एक बहुत ही शार्प कुल्हाड़ी होनी चाहिए टू कट डाउन दीज ट्विक्स. इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्प इन द हैचेट बिकॉज इफ अ ट्विग इज म्यूटिलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट. और जो एक से उसको रोज शार्पन करने के लिए, उसमें रोज धार लगाने के लिए मुझे आधे घंटे लगते क्योंकि एक एलिफेंट उन ट्विक्स को छुएगा भी नहीं जो ट्विक्स म्यूटिलेटेड हो जाएंगे. म्यूटिलेटेड मींस क्या है? म्यूटिलेटेड मींस टेढ़े मेढ़े मुड़े तुड़े, यानी मुरझाए हुए अगर ठीक से ना कटे हुए तो. इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विक्स एंड सैपलिंग फॉर कारी. कारी के लिए ये ट्विक्स और सैपलिंग्स यानी छोटे छोटे पौधे और टहनियाँ लाना आसान काम नहीं था. आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विक्स. मुझे पेड़ों पे चढ़ना पड़ता ताकि मैं सबसे नर्म मुलायम ये जो ट्विक्स हैं इनको ला सकूँ. एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेज ऑफ द बैनियन ट्री विच ग्रोज लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स and branches, I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Kari calling to me in the distance. अब उसको ये जो नए नए branches हैं banyan tree के जो कि फूल गुच्छों के रूप में जो पत्तियाँ होती है ये इनको बहुत पसंद थी Kari को. तो एक summer day, spring day, spring बोले तो वसंत ऋतु के एक दिन मार्च में वो इन्हीं को लेने के लिए गया हुआ था और तभी उसने सुना कि कारी उसको कुछ दूरी से बुला रहा है. एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट. और जबकि क्योंकि कारी बहुत छोटा था तो उसकी आवाज़ जो थी वो हाथी की आवाज़ से ज़्यादा लग रही थी जैसे किसी बच्चे की आवाज़ हो. आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री and ran very fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there. मुझे पहले लगा जैसे कि कारी को कोई मार रहा है इसलिए वो चिल्ला रहा है, तो मैं उसको जहाँ छोड़ के आया था मैं वहीं पहुँचा. लेकिन जब पहुँचा तो देखा वहाँ पर वो नहीं था. I looked all over, but I could not find him. चारों तरफ देखा पर मैं उसे ढूँढ नहीं पाया. I went near the edge of the water and I saw a black something struggling above its surface. अब मैं पानी के पास पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि कुछ काली सी चीज़ मशक्कत कर रही है, मेहनत कर रही है. स्ट्रगलिंग मीन्स किसी चीज़ से मुकाबला कर रही है. अबव इट्स सर्फेस, पानी के सर्फेस पे. देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट. और जब वो ऊपर उठा तो मैंने देखा कि ये मेरे हाथी की सूंड थी. I thought he was drowning. I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him since he was much bigger than I. अब मेरे लिए बड़ी असमंजस की स्थिति थी. मैं हेल्पलेस था, असहाय, क्योंकि मैं चाह के भी उसमें नहीं कूद सकता था क्योंकि एक हाथी अगर डूब रहा हो तो मैं उसको कूद कर पानी से बचा नहीं सकता क्योंकि एक हाथी का वजन लगभग 400 pounds यानी अप्रॉक्सली 160 kg के आसपास और वो मुझसे काफ़ी बड़ा भी है. बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वॉटर एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई ही बिगेन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप द शोर.
और उसके बाद कारी की नज़र मुझ पे पड़ी, उसके बाद वो जो जो से चिंगारने लगा और किनारे की ओर आने लगा। देन स्टिल ट्रम्पिटिंग ही पुश्ड मी इन टू द वॉटर एंड एस आई फेल इन टू द स्ट्रीम आई सॉ अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर। उसके बाद जब वो किनारे आया, अभी भी वो चिंगार रहा था और उसने मुझे धक्का दे दिया पानी में। जब मैं पानी में गया तो मैंने देखा कि रिवर के बॉटम में एक लड़का पड़ा हुआ है, वो लेटा हुआ है। एक्चुअली लेटा हुआ नहीं, वो लड़का क्या हुआ है, डूब गया है, बेहोश सा हो गया है। ही हैड नॉट ऑल टूगेदर टच्ड बॉटम बट वॉज समहाउ अफ्लोट। अब वो पूरी तरह से तली में तो नहीं था लेकिन हल्का फुल्का वो हिल डुल रहा था। आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वॉटर टू टेक माई ब्रेथ एंड देयर कारी वॉज स्टैंडिंग। उसके बाद मैं ऊपर निकला कि सांस ले सकूँ और मैंने देखा कि कारी बगल में खड़ा है। His feet planted in the sand bank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. उसने पैर अपने किनारे जमा रखे थे और अपनी सूंड आगे की ओर बढ़ा रखी थी जैसे वो मेरे लिए एक हाथ बढ़ा रहा हो हेल्प के लिए। आई डाइव डाउन अगेन एंड pulled the body of the drowning boy to the surface, but not being good swimmer, I could not swim ashore and slow current was already dragging me down. मैंने एक बार फिर से गोता लगाया और उस डूबे हुए बच्चे को, मैंने लड़के को खींच करके सरफेस तक लाया, लेकिन मैं एक बहुत अच्छा स्विमर नहीं था, नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, मैं एक अच्छा स्विमर नहीं था इसलिए मैं किनारे तक तैरकर नहीं आ पा रहा था। और स्लो करंट, यहाँ करंट का मतलब क्या है, पानी की धारा से जो स्लो करंट है वो मुझे वापस से बीच में खींच रही थी। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय द करंट, कारी हु वाज यूजुअली स्लो एंड पॉन्डरस suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water where I saw him stretch out his trunk again. Kari, जो कि normally slow हुआ करता था और lazy हुआ करता था, अचानक से वो तेजी से एक hawk की तरह, एक चील की तरह, एक बाज की तरह बिल्कुल दौड़ करके आया और पानी के आधे रास्ते में आके खड़ा हो गया और अभी भी अपनी ट्रंक को उसने आगे बढ़ा रखा था। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट स्लिप। मैंने हाथ बढ़ाया उसको पकड़ने के लिए लेकिन हाथ फिसल गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन। एक बार फिर से मुझे लगा मैं पानी के अंदर जा रहा हूँ, बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर एंड डबल माई फीट अंडर मी एंड देन सडनली किक द रिवर बेड so shot upward like an arrow in spite of the fact that I was holding the drowning boy in my hand. अब जब वो नीचे जाने लगा तो उसने देखा कि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, तो उसने अपने पैर मोड़े, डबल का मतलब पैर मोड़े और नीचे किक किया रिवर बेड, नीचे जो रिवर की तली है उस पर, एंड सो शॉट अपवर्ड लाइक एन एरो, और तीर की तरह वो ऊपर की ओर वापस उछल पड़ा। हालांकि उसने अभी भी उस बच्चे को हाथ में पकड़ रखा था, किसे, जो डूब रहा था। एज माई बॉडी रोज अबव द वॉटर आई फेल्ट अ लैसो अराउंड माई नेक, और जैसे ही मैं ऊपर आया ऐसा लगा जैसे मेरे गर्दन के अराउंड एक लैसो है। लैसो क्या चीज़ है, एक मोटी सी रस्सी। दिस फ्राइटेंड मी, आई थॉट सम वॉटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वैलो मी। मैं डर गया, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई पानी में रहने वाला कोई जीव जंतु मुझे निगलने वाला है। I heard Kari squealing and I knew it was his trunk about my neck. और तभी Kari ने जोर से आवाज़ लगाई और मुझे आभास हो गया कि ये जो मेरे गर्दन में पड़ा हुआ चीज़ है वो क्या है, Kari का ट्रंक है। He pulled us both ashore. उसने हम दोनों को किनारे पे खींच निकाला। तो यहाँ पे आज हम अपना फर्स्ट पार्ट यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल हम इसके आगे वाले पोर्शन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। सो टिल देन आगे की चैप्टर्स आप पढ़िएगा, वर्ड मीनिंग्स देखिएगा, अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करें। टिल देन गुड बाय।